फूल माला तोड़ रहे हैं और ये वाली माला भी हम लोग लेकर के आ गए। सारा सामान हो गया, केक लेकर के आ गए, नीचे रखे हुए हैं और सारी तैयारियां हो गई हैं मैक्सिमम। तो बस आज मेरे हस्बैंड आने वाले हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है मुझे कि मैं क्या बताऊँ, मतलब। और देखिए मैंने न्यू वाला, ये वाला चूड़ा पहना है और न्यू वाला सूट। तो चलिए जल्दी जल्दी तैयारियाँ कर लेते हैं ना। वहाँ की वीडियो नहीं मिलेगी है ना, मिल जाएगा जी, बना लेंगे। तैयारी कर ली है और ये देखो रिंकू, और ये देखिए ताया, मतलब मेरे से बोलते भी नहीं मान रहा है, क्या ही मैं बोलूँ मतलब। और हाथ देखिए कितनी तेज काँप रहे हैं। तो बहुत इंतज़ार के बाद ये दिन आया है और क्या ही मैं बोलूँ मतलब। बस बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ और बस यहाँ पे मैं तैयारी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी और नीचे चलते हैं, फिर वहाँ पे वीडियो बनाएंगे है ना।
स्टार्ट करवा दिया, अभी तो सुबह के 7-8 बज रहे हैं, मतलब सुबह सुबह का ही टाइम है। बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों ने किया और अभी बहुत सारे लोग आने वाले हैं उनके वेलकम के लिए। तो अभी हम लोग सिर्फ उनको लेकर के आए हैं यहाँ पर। गुड़िया मेरे को केक खिला रही है, जो पीछे खड़ी हुई है ना मेरी सबसे छोटी वाली देवरानी है, तो ये देखिए मतलब जो अभी शादी की थी ना, हम लोग शादी में ले गए थे, और ये देखिए यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं उनको गिफ्ट। तो ये देखिए बेबी अपने पापा के लिए क्या लेके आई है, और मैंने भी दे दिया अपना गिफ्ट, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए गिफ्ट हो गया भाई, अभी तो केक सेरेमनी बची हुई है क्योंकि बदला लेना बचा हुआ है, और रिंकू ने ये अपना गिफ्ट दे दिया। तो जो जो लोग गिफ्ट लाए हैं सब लोग अपना अपना गिफ्ट दे देंगे। और यहाँ पे देखिए मतलब बदला लेने के लिए भैया वहाँ से आए केक खिलाने के लिए, और सारा कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और आप लोगों को कैसा लगा, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा ये मेरा गिफ्ट। और मैं ये बोलूँगी कि मतलब आप लोगों के बिना भी ये सब कुछ संभव नहीं था। जब से मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे सारे काम हो रहे हैं, और 14 साल के बाद आज ये अपनी जॉब से रिटायर होकर के आए हैं। मतलब जिस तरीके से भगवान राम ने अपना 14 साल का वनवास पूरा करके वो अपने घर को वापस आए थे, वैसे ही ये अपनी आर्मी से रिटायर होकर के घर को वापस आए हैं। तो कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये मेरे मौसी ससुर और मौसा जी हैं, मतलब मौसा ससुर और मौसी ये पीछे खड़ी हुई हैं। तो ये बाहर का आंगन है, यहाँ पर वो बैठे बैठे पटाखे चला रहे हैं, बेबी भी यहीं पर हैं। तो अभी भंडारे का कार्यक्रम बाकी है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, कथा वगैरह होने वाली है। तो अब शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। इसके बाद भजन वगैरह होंगे, बहुत सारा है सुंदरकांड वगैरह। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 कटोरी लगा दी है, जो ढोल वाले भैया हैं उन लोगों को दे देंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए पटाखे घर में बैठ करके चला रहे हैं मौसा जी, और ये भैया लोगों ने बहुत अच्छे से बजाया। इसे देखिए कितना मस्त है, बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप लोग समझिएगा कि इतने साल के बाद उनके पापा वापस आए हैं। बीच बीच में आप लोग देखते थे कि मैं सारा घर संभालती थी, रिंकू घर में देखती थी, और रिंकू ने मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत की, और मेरे छोटे वाले देवर जो हैं अजय, उन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है उन्होंने भी, और रिंकू ने, दोनों लोगों ने, दोनों बच्चों ने मेरा बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है कि मैं उनका धन्यवाद जितना करना चाहूँ उतना कम है। और मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और तो देखो हम लोग लेकर के आ गए, और केक कटिंग सारा हो गया है, और मौसी बैठी है, देखो कहीं सा डाक लेना। और ये हमारी नई बहू रानी, देख लो भैया हम सबसे सुंदर आई नई बहू रानी हमारी। और लक्ष्यु, और ऊपर हम लोगों ने तैयारी की थी लेकिन नीचे ही कटवा दिया केक। तो चलिए अभी रोकती है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पर जो है गिफ्ट खोल रहे हैं, ये थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर लेके आ गई, मैंने बोला चलो थोड़ा सा नाश्ता पानी करके आना और थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, वो नहा लेंगे सब कुछ, इतनी दूर का सफ़र करके आए हुए हैं, और फिर मेहमान भी आना चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, ये बेबी ने दिया ये वाला जो बुद्धा है ये, तो ले करके खड़ी हुई हैं, ये देखिए रख रही हैं पापा के लिए, इसने पसंद किया था तो वही ले करके हम लोग आए गिफ्ट में। और यीशु का ये भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं कहूँगी वो खुश है इस पेन को लेकर के, ये पेन उसने बहुत ज़्यादा पसंद करके बहुत सोच समझ के, पीछे से इसमें मोबाइल चलता है, बहुत सारे फीचर्स हैं उसके, तो ये पेन पापा के लिए मंगवाया है एक। इसके बाद में अब आता है मेरा गिफ्ट। तो मैं क्या गिफ्ट में लेकर के आई हूँ ये मैंने आप लोगों को भी नहीं बताया, तो आज आप लोग देख लीजिएगा कि मैं क्या गिफ्ट में लेकर के आई हूँ, और मेरा गिफ्ट पता नहीं उनको पसंद आएगा कि नहीं, बहुत सोच समझ के। और यहाँ पर देखिए लक्ष्यु जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि रंग बिरंगी पॉलीथिन रखी हुई है ना इनको देख करके, और देखिए कैसे कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड के इंप्रेशन देखिए, मतलब उनकी शक्ल देखिएगा कैसे बना रहे हैं, देखिए मतलब शायद उनको पसंद आया हो, पता नहीं, अगर वो देख रहे हैं पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करें कि कैसा लगा उनको गिफ्ट। और ये देखिए ये मैंने आप सब लोगों के आशीर्वाद से ही लिया है, क्योंकि ये मेरी YouTube की जो पहली कमाई थी ना उसको मैंने संभाल के रखा हुआ था, तो आज इनके लिए ये कड़ा मैं लेकर के आई हूँ सिल्वर का। और ये सब आपकी देन है, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया कि मैं आज अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेकर के आ सकती हूँ, मतलब लेकर के आई हूँ। तो ये सब आप लोगों के कारण ही हैं, और मतलब इसके वजह और कुछ नहीं है, आप लोग ही हैं। तो बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा मुझे, ये रिंकू का गिफ्ट है,
सब लोग अपने अपने तरीके से गिफ्ट लेकर के आए हैं और ये लक्ष्य देखिए बहुत खुश है पॉलीथीन को देख करके, क्योंकि इनको जो पॉलीथीन दिख रही है ना ये उनको बहुत अच्छी लगती है। और ये मेरी ननंद के बेटे हैं जिनका बर्थडे ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ नहीं बर्थडे ब्लॉग कहाँ, अभी तो एक साल के नहीं हुए, ये उनका बर्थ ब्लॉग जो मैंने उनको डाला था। ये देखिए रिंकू शर्ट लेकर के आई है ये, और ये भी बहुत प्यारा कलर है इसका। तो ये जितने जल्दी जल्दी वाले गिफ्ट थे खोल लिए इन्होंने। ये बेबी का गिफ्ट ये देखिए लक्ष्य को दिखा रही, इससे तो उनको डर लग रहा है। ये देखिए तो कैसा लगा आपको वीडियो, ये देखिए कितना प्यारा है यार, बहुत प्यारा। ये देखिए बेबी अपने जैसा गिफ्ट खरीद के लेके आई है, मतलब सब अपनी अपनी पसंद से लेके आए हैं, हालांकि दिलाए मैंने हैं लेकिन सब अपनी अपनी पसंद से लेके आए हैं, अपनी अपनी चॉइस से कि मुझे पापा को क्या देना है। और ये देखिए कैसे बैठा हुआ है, मतलब बुद्धा है ये, कैसे बैठे हुए हैं देखिए इस तरीके से है। किस किस को हमारे गिफ्ट पसंद आए भाई, जितना हम लोगों से हो सका हम लोगों ने किया। और ये देखिए ये सब अपनी अपनी पॉकेट मनी से लेकर के आए हैं, सब लोगों ने इकट्ठा किया था वो लोग। तो बस अब हम लोग चलेंगे नीचे, थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं इसके बाद में, और फिर जो गिफ्ट बचे हुए थे जो बच्चों ने ऑर्डर किए थे वो भी जब टाइम मिला तो उन्होंने खोला दिन में, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि पापा बहुत जल्द से जल्द हमारी गिफ्ट खोल करके देख लें। तो ये तो हम लोग पैक नहीं कर पाए थे क्योंकि आज सुबह मॉर्निंग में ही ये आए हैं तो रिसीव हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर खोल रहे हैं, अब कैसे आएंगे वो मैं आप लोगों को, आप लोग खुद देखिएगा कैसे लगे गिफ्ट। और इसके बाद हम लोग चलेंगे नीचे, क्योंकि नीचे बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी है कि पापा हमारी गिफ्ट खोल लीजिए। तो ये लंबा है वीडियो, लेकिन हम मेरे पूरा मतलब इसमें मैंने मतलब अपनी ज़िंदगी का वो पल आप लोगों के साथ, वो समय आप लोगों के साथ शेयर किया है, मतलब जिसका हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था, और जिसके मतलब इनके आने से मतलब हमारी ज़िंदगी ज़िंदगी बन गई है, हमारी लाइफ लाइफ बन गई है। आई लव माई पापा। और ये देखिए ये केयरिंग भी आया है इसमें, आई लव पापा, ये यीशु का गिफ्ट है। इसके बाद बेबी का गिफ्ट खोलेंगे, और बेबी ने फिर से बुद्धा मंगवाए हुए हैं अपने लिए, इसने सिरेमिक मग मंगवाया हुआ था पापा के लिए, तो ये भी आ गया है। देखिए उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये देखिए यहाँ पे। और ये देखिए आज शाम को रिंकू का भी बर्थडे है, तो बर्थडे ब्लॉग मैं इसके बाद वाले ब्लॉग में डाल दूंगी, क्योंकि ये ही ऑलरेडी 24 मिनट का हमारा हो चुका है, 24-25 मिनट का, तो ये बहुत लंबा हो चुका है। मैंने सोचा कि इसको बार बार करके डालने से अच्छा है कि मैं एक बार में ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो आप लोगों को भी समझ में आएगा कि हम लोगों ने स्टेप बाई स्टेप क्या क्या किया है। तो ये बेबी का गिफ्ट है जो खोल करके देख रहे हैं, बेबी ने एक गिफ्ट वो वाला ले लिया था, एक ये वाला, तो बच्चे हैं वो तो, मगर बच्चों ने जो जो पसंद किया मैंने सारी चीज़ें बच्चों के लिए मंगवाई हैं। और यहाँ पे देखिए कैसे आए हैं, बुद्धा है इसमें, छोटे छोटे बुद्धा हैं, गाड़ी में लगवाने के लिए बच्चों ने मंगवाए हैं, या फिर आप कहीं भी उनको लगवा सकते हैं, लेकिन बुद्धा ही हैं इसमें छोटे छोटे। ये देखिए ये भी बहुत क्यूट हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा प्यारे आए हुए हैं, देखिए कितने प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा कैप वाले आए हुए हैं। तो ये बेबी की तरह ही बेबी ने गिफ्ट पसंद किए थे जो हम लोगों ने मंगवाए हैं। यहाँ पे देखिए बेडरूम में बैठे हुए हैं, तो ये खोल खोल के रखते जाएंगे यहाँ पे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इसको एडिट करने में मुझे आधा घंटा लग गया है, और कम से कम 1 से 2 घंटे में मैंने ये एडिट किया है, बहुत प्यारे आए हुए हैं ये हमारे गिफ्ट। आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अभी हम सब लोग ऊपर बैठे हुए हैं, अब नीचे जाएंगे, और इसके बाद में फिर शायद मैं जो है मतलब आगे का कार्यक्रम जो है आप लोगों को शायद नहीं दिखा पाऊँगी, अगर कोई वीडियो बनाएगा तो दिखा दूँगी, क्योंकि अभी भजन वगैरह में से मैं वापस आई हूँ, ये इवनिंग का टाइम है, मॉर्निंग में आए थे इवनिंग हो गई है। तो यहाँ पर देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये, और मैं यहीं पर लेटी हुई हूँ 5 मिनट के लिए, मैंने बोला थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, इसके बाद मैं जाऊँगी नीचे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि आज हमारे आर्मी मैन वापस आ गए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।